की कल्याण समिति की आज बैठक जो कुल्लू हॉस्पिटल में हुई, रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में उपायुक्त उसकी अध्यक्षता करते हैं। और मेरा हमेशा एक प्राथमिकता रही कि मैं विधायक होने के नाते हमेशा हर रोगी कल्याण समिति की बैठक में जाता हूं। और ऐसे में पहले, क्योंकि ये बैठक रखी गई थी विधानसभा के दौरान, तो इन्होंने, मैं प्रशासन का धन्यवाद हूं कि उन्होंने मेरी सुविधा अनुसार इस बैठक को आगे किया। लेकिन मुझे एक बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि मैं कुल्लू का विधायक, एक अपने विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते रीजनल हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति की बैठक में जाता हूं, लेकिन अन्य विधायक जिसको, जिन सबको इसकी सूचना थी, इन्होंने 5 साल में कभी भी ये जो है उचित नहीं समझा कि इस बैठक में वो आए। वो सत्ता पक्ष के विधायक है, वो अपने आप को रोगी कल्याणों के ऊपर अपने आप को मान रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के विधायकों को ज्यादा प्रभावी ढंग से ऐसी बैठकों में आना चाहिए। इसमें मंत्री बाद में है, हम पहले, विधायक पहले हैं और हमारी जनता का है। रीजनल हॉस्पिटल में बंजार के लोग भी आते हैं, आउटर सराज के लोग भी आते हैं, मनाली के भी आते हैं, लाहौल के भी आते हैं, द्रंग के भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के सराज के क्षेत्र के बाड़ी चौकी जो तहसील है उसके भी लोग आते हैं। तो ऐसे में हैरानी की बात है कि कभी भी ये विधायक, इनको सूचना के बावजूद ये आते नहीं है इन बैठकों में। और जब मैं कोई बात उठाता हूं विधानसभा में तो ये उल्टे कटाक्ष करते हैं कि नहीं, कुल्लू हॉस्पिटल में सब अच्छा चल रहा है। अब बताइए, अब तो हद हो गई है कि आज 8 विशेषज्ञ डॉक्टर कुल्लू अस्पताल से जो है चले गए हैं। और मैं कल, मुझे एक और पता चला कि 9वीं डॉक्टर वो छुट्टी पे चली गई है, अपने पारिवारिक व्यवस्था करके, गायनी की डॉक्टर। आप देखिए, आई के 2 सर्जन, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेत्र रोग के चले गए, बच्चों के एक डॉक्टर चले गया और वहां ताला लगा हुआ है। आज सुबह मैं गया तो ताला लगा हुआ अस्पताल में। उसके बाद सर्जन एक डॉक्टर चले गया और उसके साथ में एनेस्थीजिया और पल्मोनरी डिजीज के जो है वो डॉक्टर चले गए। और आप बताइए, ऐसे में ये रीजनल हॉस्पिटल का क्या, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग ही हमारे को देखने के लिए वहां मरीज जाएंगे? आज सुबह मैं जब वहां गया, देखिए बेचारा प्रशासन भी क्या करेगा। प्रशासन की जिम्मेवारी थोड़ी नहीं है कि वो डॉक्टर ऊपर से लाए। प्रशासन तो सुविधा देगा, सीएमओ सुविधा देंगे, वो तो सरकार को मालूम होना चाहिए था। और कल मंत्री जी ने जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है, हैरानी होती है कि आप कुल्लू को क्या समझते हैं मंत्री जी। आप बताइए, आपने कहा कि वो ट्रांसफर नहीं हुए, वो हायर स्टडीज के लिए गए। भाई आप ये देखो, पर कुल्लू अस्पताल से डॉक्टर तो गए, आप टेक्निकल बातों को क्यों बता रहे हो, हायर स्टडीज के या क्या करने गए? अस्पताल तो ताले लग रहे हैं, वहां पे जाइए आप, गरीबों के हालात देखिए। 6 महीने से वहां पे टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड का नहीं है। जो मुफ्त अल्ट्रासाउंड होता था 1500-1500 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि आयुष्मान भारत में और हिम केयर में बड़ा सीधा है कि जो हॉस्पिटल इसमें जो है एमपैनल है, वो हॉस्पिटल जो है उनमें सिर्फ वही चार्ज लिए जाएंगे जो कि हॉस्पिटल के चार्ज है, और वो भी जो है हॉस्पिटल उसको रिइंबर्स करता है सरकार रोगी कल्याण समिति के माध्यम से। ऐसे में क्या हो रहा है इस कुल्लू में? मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने एक भी बात कुल्लू हॉस्पिटल के ऊपर नहीं की। विधानसभा में जब मैं बोलता हूं तो मुझे मेरे पे आग बबूला होते कि आप गलत बोल रहे हैं। आज आपके सामने प्रत्यक्ष है, देखिए मुख्यमंत्री जी, आपके दबाव में मैं कुल्लू के प्रति अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन करना बंद नहीं करूंगा। आप समझते हैं कि आप मुझे धमकाएंगे, आप बड़ी गलतफहमी में। जनता बिल्कुल कुल्लू से जो भेदभाव है, आज आपने, आप आगे और आपने यहाँ पे जो है बस अड्डे का उद्घाटन किया, उसके साथ में ठीक लिखा कहीं ने कि जाके सेल्फी खींच लेते बूथनाथ पुल पे, कि उसकी दुर्दशा क्या है। और आधे अधूरे बस स्टैंड का आपने
उद्घाटन कर दिया। क्या बताना चाहते हैं आप? लाले की दुकान है? आप लाले की दुकान कुछ शुरू करने आए थे। ये BOT जो होता है, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, उसमें आपके सरकार का तो एक पैसा नहीं लगता है। और लाला जी जो आपने दिल्ली से जिन्होंने ये बनाया है, उनके अब वो अपना उनकी वहाँ पे जो ये पेड जो सुविधाएं वहाँ पे होगी, अच्छी बात है, चलिए आधुनिक चीजें बननी चाहिए। लेकिन आपने अभी तक आप नहीं बता पाए कि आप कब भूतनाथ पुल का काम शुरू कर रहे हैं, और उसके साथ में और ऐसे में ठीक है, बहुत अच्छी पहल है, कुल्लू कार्निवल हो रहा है, अच्छी पहल है, प्रशासन ने अच्छी कोशिश की है। लेकिन आपको नाटी डालने से पहले ये तो यहाँ के नेताओं को देखना चाहिए था, यहाँ के जागरूक बंधुओं को, कुल्लू की प्रबुद्ध जनता को ये तो बता देते कि आप ये कुल्लू में जो ये हॉस्पिटल का टोटा है या पुल का जो लेकर जो लेट लतीफी है, ये पूरा नेशनल हाईवे स्लाइड हो रहा है, बुंतर पुल पे आज के दिन में कोई बड़ी गाड़ियां नहीं चल रही है, रोज ट्रैफिक जाम यहाँ पे कुल्लू में चल रहा है, आने वाले दिनों में पर्यटन सीजन है, बड़ी मुश्किल से पटरी पे ये व्यवस्था आ रही है, तो आप ऐसे में क्या कुल्लू को इतना काला पानी बना देंगे कि कोई भी पुल नहीं रखेंगे कुल्लू के लिए? देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज मुख्यमंत्री ने और कल जिस प्रकार से ये कुल्लू के मंत्री ने कहा कि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल से सिर्फ जो पढ़ाई करने गए हैं, आज क्या व्यवस्था हो रही है? क्या बता पाएगी सरकार की कितने दिनों में डॉक्टर आएंगे? ये 8 सर्जनों की जो कमी ना हुई, जो यहाँ पे वैकेंसी और क्रिएट हुई है, इसकी कब पूरा की जाएगी? गरीब जनता कब तक भुगती रहेगी? आज सुबह मैं गया तो वहां पे 2 घंटे से लोग कह रहे थे कि हम लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि प्रशासन ने सीधे तौर पे, हमने उसी वक्त फैसला लिया कि 8 बजे से ये जो काउंटर खुलना चाहिए, और एक अतिरिक्त काउंटर भी आज कह दिया है उपायुक्त ने, और वहीं पे हम बैठ के एक फैसला लिया गया कि जो भी है ये इसको कीजिए। ये तो व्यवस्था काउंटर की है, लेकिन आगे डॉक्टर किसको दिखाएंगे? पर्ची तो बन जाएगी लेकिन डॉक्टर कहाँ से आएगा, ये सरकार बताए। क्योंकि मैं आप बंधु से भी अनुरोध करता हूँ, मेहरबानी करके आप जो स्तंभ है इस प्रजातंत्र के, मीडिया भी, आप भी कम से कम इन मुद्दों को, आप कुल्लू के मुद्दों को आप उठाएं, और इस सोई जो सरकार है जिस प्रकार से ये कुल्लू की अनदेखी कर रही है, आप इन्हें उजागर कीजिए। और आने वाले वक्त में मैं तो विवश हो जाऊंगा कि फिर से एक बहुत बड़ा हमें आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे बार बार विवश मत कीजिए। विधानसभा में भी मुझे कुल्लू अस्पताल और इन पुलों की बात करनी पड़ती है, अभी भी करनी पड़ती है। और लेकिन हालात सुधारने की बजाय आप इस यहाँ के हालात, कुल्लू के हालातों को बदतर बनाते जा रहे हैं, मेहरबानी करके। और ऐसे में मुझे ये नहीं है कि कोई, मैं कहता हूं कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और सरकार को तुरंत इस समाधान की तरफ देखा जाना चाहिए। आज रोगी कल्याण समिति में जो प्रशासनिक तौर पे तो बहुत बातें हुई, अच्छी बात है कि कुल्लू में ब्लड सेपरेटर लग रहा है, जिसमें कि जितना भी रक्तदान होता है उसका जो जैसे पैलेट्स अगर लगते हैं डेंगू में, तो वो उतना ही खून इस्तेमाल होगा, उसके अलावा बाकी जो खून बचता है उसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे ब्लड सेपरेटर लगने में अभी 6 महीने लगेंगे, आज 2-2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो चीज हो रही है अच्छी बात है। लेकिन भाई आप बताइए, डॉक्टर नहीं होंगे, टेक्नीशियन नहीं होंगे, इतनी बड़े तंत्र का क्या फायदा है, इतनी बड़ी इन बिल्डिंगों का क्या फायदा है? ये मेरा प्रश्न है इस सरकार से। मुख्यमंत्री जी आप यहाँ पे आए थे, आपके समक्ष बड़े बड़े भाषण दिए आपने, कुल्लू जो ये अपना जो नजराना देना था, कैसा रहेगा अगर आप लोगों के जो नजराने और भत्ते, अगर मंत्री और मुख्यमंत्री और हम लोगों के और सब प्रशासन के नजराने और भत्ते 5 साल के बाद मिले, 5 महीने के बाद मिले, तो कैसा रहेगा? आपने देवी देवताओं को 5 महीने लटकाया, और कत्ती मार से पहले आपने जो नजराना और भत्ता दिया, जबकि जो नजराना और भत्ता दशहरे से वापसी में जाते हुए देना चाहिए था, बाजा बजंतरियों ने घर जाना था, उन्होंने बच्चों के लिए मिठाई ले जानी थी, कुछ उन्होंने तोहफा ले जाता हर एक बुजुर्ग दशहरे के बाद, मिठाई और खिलौने ले जाता बच्चों के लिए अपने कुछ अपने पैसे से, तो आपने वो तो होने नहीं दिया। हमने अगर मुद्दा नहीं उठाया होता ये नजराना देने का,
आपकी तो मंशा नहीं थी, ये तो हमने मुद्दा उठाया और हमारे डर से आपको ये नजराना घोषित करना पड़ा, क्योंकि हमने आप ये नजराना नहीं देते ना, ये कोई आपके रहम करम पे नहीं है, ये तो हम कोर्ट के थ्रू भी ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो लेट लतीफी हर बात पे कुल्लू के लिए कर रहे हैं, मंडी में तो आपने साथ के साथ नजराना दे दिया, कुल्लू में 5 महीने लगा दिए, मंडी में तो आप बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, और बिना मिलों के मिले तो आप लगा रहे हैं, असली मिलों के वक्त आपके हाथ पीछे हट जाते हैं। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये हॉस्पिटल को लेकर हम एक बहुत बड़ा, अगर ये सरकार अभी कुछ दिनों में ये इंतजाम नहीं करती है, मैं जनता से भी अनुरोध करता हूं, आप भी जागिए, आप लोग भी आगे आइए, कुछ आवाज, जितने संगठन है, बेशक वो हमारे युवा संगठन है, बेशक हमारे महिला मंडल है, बेशक हमारे युवा मंडल है, गांव समिति है, व्यापार मंडल है, टैक्सी यूनियन है, हमारे टेम्पो यूनियन है, ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, सब हम लोग कुल्लू के वासी हैं, सब हम लोग गांव के, शहर के सभी लोगों को ये हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप भी जागिए, और अगर थोड़े दिनों में ये इंतजाम नहीं होता है, जिस प्रकार से मुझे दिख रहा नहीं है कि सरकार की मंशा है, तो हमें बड़े आंदोलन पे उतारू होना पड़ेगा, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाकी आज मुझे खुशी है कि प्रशासन ने कुछ आयुर्वेदा के ऊपर भी हमने बातें कही है कि आयुर्वेदा में पंचकर्मा को पर्यटन से जोड़ा जाए, उसके लिए एक बड़ा प्रचार प्रसार के लिए हमने बात कही है। आज मुझे खुशी है कि मैंने जो एम्बुलेंसेज यहाँ पे कुल्लू हॉस्पिटल में दी है, उन एम्बुलेंसेज को ढंग से चलाया जा रहा है, और डीसी साहब ने कम से कम कुछ आपदा प्रबंधन से कुछ फ्यूल एक्सपेंसेस हमारे जो है आरकेएस के पैसा भरा है, बहुत अच्छी बात है, जो वैसे प्रशासन की कमी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से कुल्लू पिछड़ता जा रहा है। और ऐसे में मैं चाहता हूं कि हमें भी जागना होगा, इस सोई सरकार को जगाने के लिए कोई आगे ठोस कदम उठाने होंगे, यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं।